यहाँ देखिए सुबह हो गई है और मैं जग गई हूँ क्योंकि बहुत ठंड में तो एकदम सवेरे जगना मुश्किल है। हिमांशु के पापा तो पानी वानी पी के चले गए हैं, तो मैं उनको पानी उनी गर्म करके और दे देती हूँ। उसके बाद से फिर मैं जाके लेट जाती हूँ क्योंकि खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं रहती क्योंकि बच्चों का भी छुट्टी है। और देखिए उसके बाद से मैं गर्म पानी खुद पीती हूँ, और एक बार मुझे गर्म पानी पीना है सुबह क्योंकि मैं दवा भी थायराइड की खाती हूँ। अब मैं हेलो नमस्कार, मैं संगम स्वागत करती हूँ आपका संगम मल्टी ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे वीडियो देखते होंगे। तो नए साल की आप लोग को शुभकामना। तो हो गई है सुबह, आज है 2 जनवरी। तो देखिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है और देखिए कितनी सेफ्टी रख के हम लोग और जैकेट वगैरह पहन के, और इधर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो इधर देखिए बहुत इतना मतलब शीत गिर रहा है, पाला जिसको बोलते हैं, फुहारे की तरह पड़ता है, तो पाला पड़ रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे लग रहा है ना, हल्का हल्का फुहारा पड़ा हुआ है, बारिश हुई हो, भीगा भीगा सा है कितना। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ छत पे मैंने जितने भी कल कपड़े धुले थे उसको मैं सुखा दी हूँ। सुखाने के बाद से मशीन में मुझे 2 दिन लग गया क्योंकि लाइट नहीं थी, तो 2 दिन लग गया और इस वजह से काफ़ी टाइम लगा मुझे मशीन में कपड़े धोने में। और मैं मशीन से जल्दी नहीं धुलती हूँ, लेकिन जल्दीबाजी के नाते जैकेट वैकेट बहुत ज़्यादा था तो इसलिए मुझे धुलना पड़ा। तो देखिए कितना ज़्यादा दिख रहा है, कुछ देखिए बहुत ज़्यादा भैंसा पड़ रहा है। देख सकते हैं बाहर का व्यू। मैं नीचे चल रही हूँ और चलूँगी उसके बाद से, मुझे झाड़ू वाड़ू भी लगाना है, झाड़ू लगा के तो किचन का काम करना है। और इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है, हवा से ही ठंड ज़्यादा मतलब होगा। तो देखिए इधर देखिए इतनी ठंड में ढोला जा रही है, कितना ठंड पड़ रहा है, अकेले अकेले घूम रही है, आओ। और इधर देखिए गांव में लड़कियाँ जो हैं कढ़ाई अपने हाथ से करती हैं, चद्दर की कढ़ाई हो रही है। और इस पे देखिए कितने एप्पल हुए हैं जो कि सेहत से भरपूर होते हैं, और गुलाब का फूल भी है, देखिए देख के मन खुश हो जाता है। तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए, फूल लगाने चाहिए। और मैंने जो कपड़े धुले थे उसको धुलने के बाद से देखिए मैंने मशीन को पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और ये मशीन मेरा 15 साल हो गया है और ऐसी अभी है। और यहाँ देखिए राख है जो कि मेरी बेटी ने आग जलाई हुई थी ठंड की वजह से, और मैंने इसको फेंका नहीं, अंदर कर लिया क्योंकि कुत्ते हैं कि बिखरा देंगे। और फिर मैं झाड़ू लगाने लगी, झाड़ू वाड़ू लगा के उसके बाद से मैं इसको यहाँ से हटाऊंगी राख को और खाली कर दूंगी और इसको अपनी जगह पे रख दूंगी। तो धीरे धीरे अब देखिए मैं झाड़ू लगाने के बाद से कोई काम करूँगी। और फिर किचन में जाना है, किचन में जाने के बाद अब देखिए क्या बनाती हूँ। और सोकटने में देखिए आँख भी ठंड की वजह से थोड़ी सूजी सूजी सी हो गई है, और अभी तो चेहरा भी बासी बासी है, अभी नहाना धोना भी नहीं हुआ है। ठंड में तो नहाने का उतना जल्दी कोई वो नहीं लगता हमको क्योंकि बचाव भी करना है अपने आप को हमको। तो मैं बहुत सवेरे आज नहीं नहा रही हूँ। और किचन बरामदा झाड़ू लगाने के बाद से मैं देखिए रूम में आ गई हूँ क्योंकि फिर यहाँ से ले जाऊंगी झाड़ू लगा के, जो भी डस्ट होगा तो वही इकट्ठा करके मैं उठा लेती हूँ। और देख सकते हैं अभी तक तो मेरा कोई काम नहीं हुआ है, और जल्द से जल्द मैं काम करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करना रहता है। और वीडियो बनाने के बाद से टाइम से एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नेट की प्रॉब्लम रहती है, और सुबह नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सिग्नल भी नहीं कैच करता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और लेट से भी वीडियो जाता है तो मेरा टाइमली वीडियो भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि मेरा इतना मतलब बहुत ही मेरी मजबूरी है कि मैं क्या बताऊं, चाह कभी मैं नहीं कुछ कर पाती हूं। और उसके एक दिन पहले भी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं पहले से वीडियो को अच्छे से अपलोड करके मतलब रखूँ। तो इसी तरह मेरा देखिए दिन भर का रूटीन शुरू से शाम तक चलता रहता है।
समाप्त होने के बाद से मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में देखिए मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ गैस पे, क्योंकि दाल हो जाएगा तो मैं बाकी क्या काम करूँगी और सब्जी काट लूँगी। आज मैं बनाऊँगी आलू की भुजिया सब्जी, जिसके लिए मैंने देखिए आलू निकाल लिया और छील लूँगी, और काफ़ी पतले छिलके होते हैं तो चम्मच की सहायता से ही छिल जाता है। तो अच्छे से मैं छील के इसको वॉश कर ली हूँ, और काटने के बाद से भी इसको वॉश कर लूँगी। और पीछे देखिए आ गई हूँ मैं खेत के पास, क्योंकि हमारा जो अपना घर बन रहा है उसके पीछे ये खेत है। मैंने पहले के वीडियो में शेयर किया है, जो लोग देखे होंगे उन लोग को दिखाई दिया होगा। और यहाँ देखिए सेम का भी पेड़ पौधा है, सेम की सब्जी यहाँ पे भी उगेगी तो दिखाऊंगी मैं। और देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है, तो मेरा तो यहाँ का मैं नज़ारा आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखिए दाल बच गया था, बचा नहीं था, हिमांशु के पापा को कहीं मिल गया था दावत आलू के पराठे का, तो वो दावत खाने चले गए थे तो काफ़ी दाल बचा। तो मैंने उसमें देखी प्याज, लहसुन, हरा मिर्च, हरी धनिया, टमाटर और पिसा हुआ मैंने लहसुन पाउडर डाल दिया था, तो उसमें मैंने मिला दिया देखिए आटा, और दाल काफ़ी सॉफ्टी होता तो मैंने आटा मिला दिया। और साग बच गया था तो उसमें टमाटर, अजवाइन, नमक और गोल्डी मसाला डाल के मैंने पकौड़ी बना लिया, और दोपहर के समय का ये नाश्ता हो गया तो काफ़ी अच्छा लगा। ठंड के मौसम में तो कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई, पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।